सावन के पावन महीने के दूसरे सोमवार को लेकर हजारों डाक कंवरिया रविवार को भागलपुर के सीढ़ी घाट एवं सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविरों का आयोजन किया गया, जहां कांवरियों को फल और जूस प्रदान किया गया। दरअसल रविवार को भागलपुर के सीढ़ी घाट और सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में डाक कांवरियों ने यहां से पवित्र गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान जगह जगह पर सेवा शिविर लगाए गए थे, जहां बोलबम कांवरियों के लिए फल और जूस की व्यवस्था की गई थी। सेवा शिविरों में कांवरियों को ठंडा पानी, शरबत और फल देकर उनकी यात्रा को सुखद और आसान बनाने का प्रयास किया गया। जैसे ही कांवरियों का जत्था हरर महादेव और बोलबम के जयकारों के साथ आगे बढ़ा, पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। वहीं श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हर तरफ भक्तों की टोली, ढोल नगाड़ों की धुन और बाबा बैद्यनाथ के जयकारों से माहौल गुंजायमान हो उठा। कांवरियों का कहना है कि सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। वे इस यात्रा को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं और बाबा बैद्यनाथ से अपने परिवार और समाज की सुख शांति की कामना करते हैं। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहपुरा मोहल्ले से एक पारिवारिक विवाद का मामला सुर्खियों में है, जहां वर्षों से बेटी और दामाद अपने ससुर के साथ रहते थे और उनके पैसे पर ही निर्भर थे। बावजूद इसके ससुर के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया है। वहीं मोहल्ले के लोगों ने इस मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बेटी तथा दामाद को हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहीं दामाद पर अपने साले के साथ मारपीट कर उसे घर से भगाने का आरोप भी लगा है। वहीं इस घटना में उसकी बहन भी शामिल बताई जा रही है। पीड़ित साला का कहना है कि उसकी बहन और जीजा ने परिवार को पागल करने का पूरा षड्यंत्र रचा था और उनकी जमीन भी अपने नाम करवा ली। फिलहाल पुलिस ने बेटी और दामाद को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच ससुर ने पुलिस को बताया कि बेटी और दामाद उनके पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहे थे। वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि वे इस मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस की जांच पर भरोसा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। क्या मामला है, क्यों ऐसा? कुछ नहीं है, वो जो सही बात बोलो, झूठ मत बोलो। कमजोर हो गया ना, तो पैखाना वगैरह कर दिया था ना, तो जब हम उठाए ना तो उसके पूरे जिस्म में पैखाना लगा था। अच्छा। उसको जब हम खींचे ना तो वो गिरने लगा, तो हम ऐसे करके हाथ उसके ऊपर रखे तो वो जाके लगा के वीडियो बना लिया। अगर एक था गुस्सा से मार रखे हुए ऐसे करके हल्का सा कि हम मार सकते, मारने का होता है, मारने का नहीं है, उसी का पेंशन खाता, उसी का पेंशन खाता, उसी को मारे हैं हम, सब दिन तो हम ही करते हैं उसका। तो आखिर सब दिन आप जब करते हैं सेवा करते थे, तो अचानक इतना लोग क्यों आपके खिलाफ हो गए? वही जो वीडियो बना लिया ना, वही वीडियो बना लिया ना, इतना लोग गलत तो नहीं हो सकता है। तब हम जो है एक आदमी को लगाए, 3 महीने के अंदर हम 82 वीडियो बनवाए, उसमें 7 वीडियो निकाला, हम सिलेक्ट करके तब डीआईजी साहब के पास गए जुमे के दिन 12:30 बजे FIR किए और SP साहब के पास गए 1:25 पर। SP साहब को आवेदन दिए, तब मीडिया वाला आया, मीडिया वाला वीडियो वायरल करी, है ना, सारा कहानी ये है। अब उसके ATM से हमेशा निकलना 45,092 रुपया मेरे ससुर को मिलता है फिर से, और सब पैसा निकलता बांका से, जबकि भागलपुर में 10,000 रुपये ATM से ज्यादा है, भागलपुर से एक भी एक बार नहीं निकला है। शुरू से परेशानी हो रहा है, पिछले साल भी हम आए थे तो हमको मारपीट के भगा दिया था। कौन बताए लो? अगर उसके बाद मदर मदर गेट करी थी, उसमें भी मैजर थे, तो मट्टी तक हम आए, इतना मारपीट करके हम इतना मारा मार के, तो फिर सब मिली बल्ला बेटा तुम जाओ मदर का गेट करिए, उसके बाद हम चले गए। फिर हम वीडियो में देख रहे हैं पापा का धप्पा धप्पड़ मार हुआ है, इसको कर रहा है, हमको भी मिर्गी का दवा दे रहा है शब्द किया था पहले से। आप यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, हमको भी यहाँ से निकाल दिया, 8 साल से सिद्धार्थपुर में रहते हैं।
भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में वार्ड पार्षद की दबंगई से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पासी टोला लेन पर्वती में एक मकान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल भागलपुर के पासी टोला लेन पर्वती का मामला है, जहां वार्ड नंबर 13 के पार्षद रंजीत कुमार मंडल की दबंगई ने स्थानीय लोगों को परेशान कर दिया है। मामला मोतीलाल शाह के मकान से जुड़ा हुआ है, जिसे पार्षद रंजीत मंडल ने कुछ समय पहले ही किराए पर लिया था। वहीं किरायानामा समाप्त होने के बाद भी रंजीत मंडल ने मकान खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मोतीलाल शाह ने कई बार विनती और अनुरोध किया, लेकिन पार्षद ने मकान में ताला जड़ दिया। पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मजबूर होकर मोतीलाल शाह और उनके परिवार ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल के छठे दिन जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अनशन पर बैठे रहे। वहीं पार्षद रंजीत मंडल ने अपनी दबंगई का प्रदर्शन करते हुए घर के मुख्य गेट पर फिर से ताला लगा दिया, जिससे अनशनकारी परिवार को घर के अंदर बंधक बना लिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस भी पार्षद की दबंगई के सामने कुछ नहीं कर पाए और सिर्फ ताक झांक करने के बाद वापस लौट गए। वार्ड पार्षद की दबंगई से परेशान मोतीलाल शाह के परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है वे सब अनशन जारी रखेंगे। जब इसका एग्रीमेंट जब सब हो गया पाँच साल का, जब सब इसका पाँच साल पूर गया, तो जब इसको बोला गया कि खाली आप कर दीजिए मेरा जमीन, आप कहीं देख लीजिए, तो ये बोला चलिए ठीक है हम साल भर के लिए आपको जमीन मतलब इस साल भर का टाइम मांगा, तो बोला चलिए चार महीना पांच महीना टाइम देंगे आप खाली कर दीजिएगा। वो टाइम फेल हो गया, मतलब 20 बार ऐसा ऐसा टाइम दिया, पांच महीना दो महीना एक महीना सब फेल होते जा रहा है। लास्ट में वो क्या किया कि उसका पत्नी जो मोतीलाल से की पुतोहू है तीनों खाली नहीं कर रहा था, तो इसके लिए वो धरना पे बैठी भूख हड़ताल पे छह दिन बैठा है भूख हड़ताल पे, जिसमें कि उसका कोई भी जिला अधिकारी कोई मतलब उसका कोई ध्यान नहीं दिया, कोई देखने नहीं आया। आया मीडिया पूछा, मीडिया चलाया, मीडिया का कोई सुनवाई नहीं हुआ। मामला जो है रेंटर और ओनर का है। हमने 2014 में जो है इनसे जो है भाड़े पे लिए थे कि आप 2000 महीने पे एग्रीमेंट किए हैं और जो है ना 3000 का महीना पहले महीना देना शुरू हो जाए, ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। मेरे भाई क्योंकि सुबह आके जो है झाड़ू उड़ू देते हैं, फिर उसके बाद जो है रात भर में कितना अभी काउंटिंग हुआ, पैसा को काउंटिंग कर रहे थे। ये लोग 9 लोग थे, 5 को तो पहचान रहे हैं, 4 अज्ञात था, और जबरदस्ती मेरे भाई को जो है पार्लर से निकाल के अपना ताला मार दिया। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर लाजवाब है, और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा। ये देखो है ना, तो आ जाओ फिर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर, मोबाइल नंबर 6200643686। कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र श्रीमठ स्थान के मुख्य गेट के पास नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को देखकर स्थानीय लोग भी अचंभित हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को सूचना मिलने के करीब 4 घंटे बाद ही मौके पर पहुंची और तब जाकर जाँच पड़ताल कर शव को अपने कब्जे में लिया और दफनाने की प्रक्रिया शुरू की। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार श्रीमठ स्थान के पास ही एक सरकारी नर्स अवैध रूप से प्राइवेट क्लिनिक चला रही है, जिसमें भ्रूण हत्या की जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 सप्ताह पहले भी एक नवजात का शव श्रीमठ स्थान के आसपास मिला था, लेकिन उस दौरान भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और वे प्रशासन से तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। शाम में 4 बजे ग्रामीणों के द्वारा देखा गया
ग्रामीण का कहना है कि ये कुत्ता के द्वारा इसको सबको यहाँ लाया गया है। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस कुछ देर के बाद आई और जांच पड़ताल कर रही है। कितनी देर बाद आया है ये? तो 4 बजे का लगभग का कुत्ता लेके आया था, ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली। हम लोग ग्रामीण जनता हैं और बगल में श्रीमठ रामनगर पड़ता है, काली स्थान मंदिर है और यहाँ 2400 घंटा आदमी का जाना आना लगा रहता है। मेन रोड 4 ही है। क्या लगता है कहाँ से शव होगा? अब ये पता नहीं कि कहाँ का शव है, लेकिन कुत्तों के द्वारा लाया गया। पुलिस कितने घंटे बाद पहुँची? ये 1.5 घंटे के बाद आई। भागलपुर के सुल्तानगंज में सावन के पवित्र महीने के दौरान कांवरियों की सेवा करना कई लोगों के लिए पुण्य कमाने का जरिया बन गया है। यह समय लाखों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक यात्रा का है, जहां वे बोलबम के जयकारे लगाते हुए बाबा बैद्यनाथ की ओर जाते हैं। कांवरियों की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए, जहां उन्हें फल जल और विश्राम की सुविधा मिल रही है। लेकिन इसी पवित्र माहौल में कुछ लोग बेजुबान जानवरों का इस्तेमाल कर धन कमाने का माध्यम बना चुके हैं। दरअसल बांका के रहने वाले जाफरान नामक व्यक्ति का मामला चिंताजनक है। जाफरान दूसरे राज्यों में नौकरी करता है, लेकिन सावन के महीने में वह घर लौट आता है और कच्ची कांवरिया पथ पर सांपों के साथ करतब दिखाकर रोजाना 700 से 1000 रुपया कमा लेता है। जाफरान इन सांपों के दांत काटकर उन्हें बेजुबान और सुरक्षित दिखाने का दावा करता है, लेकिन यह जानवरों के प्रति क्रूरता और उनके शोषण का स्पष्ट उदाहरण है। सांपों का सहारा लेकर कमाने वाले इस युवक को रोकने वाला कोई नहीं है। वहीं प्रशासन और वन्य जीव संरक्षण विभाग की लापरवाही के कारण यह धंधा बेरोक टोक जारी है, जो न केवल सांपों के जीवन के लिए खतरा है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। भागलपुर साकुन प्रखंड के बोरगांव दरियापुर में मनरेगा विभाग द्वारा कचरा संग्रह केंद्र बनाने के फैसले पर महादलित परिवार ने कड़ा विरोध जताया है। महादलित परिवारों का कहना है कि यह फैसला बिना स्थल जांच के लिया गया और इस केंद्र के बनने से स्थानीय निवासियों को कई तरह की बीमारियों का खतरा हो सकता है। महादलित परिवार ने आरोप लगाया है कि मनरेगा विभाग ने बिना उचित स्थल जाँच के इस स्थान को कचरा संग्रह केंद्र के लिए चुना है। नहीं, चारों ओर विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं और इस फैसले से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं इस मुद्दे की जानकारी मिलने पर जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास ने महादलित परिवार से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे मनरेगा पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी से बातचीत कर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेंगे।